हैदराबाद में पब में आई एक लड़की से गैंगरेप की घटना हुई है। क्राइम करने वाले आरोपी लड़की की पहचान वाले दोस्त ही है। लड़की और आरोपी सभी नाबालिग हैं। इस घटना में लड़की का एक दोस्त विधायक का बेटा है, लेकिन आरोपी चार लड़कों ने उसी विधायक के बेटे की भी पिटाई की है। पीड़ित लड़की की उम्र करीब 17 साल है। ये घटना 28 मई की रात की बताई जा रही है। स्कूल में पढ़ने वाली लड़की एक पब में पार्टी के लिए गई थी। पार्टी के दौरान लड़की से कुछ छेड़छाड़ की घटना हुई तो वो तुरंत बाहर निकल कर आई। यहाँ आने के बाद उसके दोस्त भी बाहर निकल आए और फिर उसे घर तक छोड़ने की बात कहकर उसे कार में लिफ्ट दी। फिर ये लड़की कार से एक पेस्ट्री की दुकान पर उसे ले गए। कार में कुल 5 लड़के थे, इसके अलावा पीड़ित लड़की। बताया जा रहा है कि 5 लड़के उस लड़की के जुबली हिल्स की तरफ ले गए और इस दौरान चलती कार में लड़की से दुष्कर्म किया गया। इसके बाद जुबली हिल्स के पास सुनसान जगह पर कार को खड़ा किया। इस दौरान लड़की के एक दोस्त ने विरोध किया तो उसकी जमकर पिटाई की। उसके बाद आरोपी 4 लड़कों ने उस लड़की के साथ रेप किया। इस मामले में लड़की के परिवार ने उसकी गर्दन पर चोटों को देखा तो उसे पूछताछ की, तब घटना की जानकारी हुई। जुबली हिल्स पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के साथ रेप की FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाजपा ने घटना की कड़ी निंदा की है। तेलंगाना भाजपा ने कहा, इस अपराध के 5 अपराधियों में से एक व्यक्ति पर MIM के विधायक का बेटा और दूसरा अल्पसंख्यक अध्यक्ष का बेटा है। BJP ने इस मामले में पुलिस पर धीमी कार्यवाही का आरोप लगाया। भाजपा ने आगे मांग की है कि मामले के सभी 5 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।